वेलकम टू न्यू लेसन। अभी तक हम अपनी वेबसाइट पे काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं। आप देख सकते हो हमने पूरा एक यहाँ पे सेक्शन ऐड किया जिसमें हमने लिंक्स डाले, देन हमने नीचे प्रोडक्ट्स ऐड किए, देन हमने ये जो हमारा एक मेन सेक्शन था या मेन पेज था मेन वाला, वो पेज हमने बनाया। वहाँ पे हमने अगेन प्रोडक्ट्स डाले, वहाँ पे और काफ़ी सारी चीज़ें की हमने। आज के लेसन में हम अपनी वेबसाइट को और थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, थोड़ा सा इसको और कस्टमाइज करेंगे हम, ताकि हम अपनी वेबसाइट को और अच्छा बना सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कस्टमाइज पे जाता हूँ और ये जो हमारे बटन्स वगैरह नज़र आ रहे हैं इनका थोड़ा मैं टाइपोग्राफी वगैरह चेंज करता हूँ, है ना। तो चलिए, तो मैं जाता हूँ सबसे पहले कस्टमाइज के ऊपर। अब मैंने कस्टमाइज़ किया है, अब मेरे पास टाइपोग्राफी वगैरह का ऑप्शन आएगा। मैं टाइपोग्राफी चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे टाइपोग्राफी का ऑप्शन आ रहा है, ये मेरा मेन्यू है। तो मैं मेन मेन्यू का टाइपोग्राफी चेंज कर देता हूँ, राइट। तो सेम मैं इसको कर देता हूँ यूनिट। तो आप कोई भी फॉन्ट कर सकते हो जो कि आपको पसंद है, और यहाँ से मैं उसको थोड़ा सा और बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और मैंने इसको बोल्ड कर दिया, आप देख सकते हो। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करने की कुछ ज़रूरत नहीं है मुझे। और जो मेरा फॉन्ट है मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब ये 13 था, इसे मैंने 14 कर दिया। ठीक है जी, इतना आई गेस बहुत सही लग रहा है। अब मैं वापस जाता हूँ और यहाँ से मैं ये जो ड्रॉप डाउन हो रहा है इसका भी फॉन्ट मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। अगेन इसको मैं 12 है तो इसको मैं फॉन्ट इसका 13 कर देता हूँ। ये जो ड्रॉप डाउन है इसका फॉन्ट मैंने कर दिया 13। और यहाँ पे और कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये जो आप इसके ऊपर देख रहे हो ना, ये हेडर के ऊपर जो आ रहा है उसको हम कहते हैं टॉप बार। ठीक है, इसके ऊपर नज़र जो आ रहा है ये आप देख रहे हो, इसे कहते हैं टॉप बार। तो यहाँ आप अगर टॉप बार पे जाओगे तो यहाँ भी आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो अगर चाहो, राइट। तो जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर आप टेम्पलेट डाल सकते हो, या फिर यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख सकते हो, या अपने सोशल मीडिया आइकन्स डाल सकते हो अगर आपको यहाँ पे डालना है। तो टॉप बार मैं प्रेफर नहीं करता, तो मैं सिंपल टॉप बार पे जाके जनरल पे जाके इसको कर देता हूँ डिसेबल, राइट। अब देखो ऊपर एकदम आ गई वेबसाइट, ऊपर का स्पेस चला गया, यहाँ पे मैंने फॉन्ट वगैरह चेंज कर दिया है और इसको मैं कर देता हूँ अब पब्लिश। और यहाँ से इसे कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अब देखो ऊपर का स्पेस चला गया और ये फॉन्ट चेंज हो गया मेरी वेबसाइट का, राइट। अब यहाँ ओशियन डब्ल्यू पे ही लिखा आ रहा है तो इसको भी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ जाता हूँ वापस में कस्टमाइज के ऊपर। ठीक है जी, वापस मैं गया, मैंने क्लिक किया कस्टमाइज। अब देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है कॉपीराइट ओशन डब्ल्यूपी। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे फुटर बॉटम के ऊपर और यहाँ पे जो आ रहा है ओशन डब्ल्यूपी इसको मैं कर देता हूँ डब्ल्यूपी कोर्स बाय। ठीक है जी, इसको चेंज कर दिया। यहाँ से आप कुछ पैडिंग वगैरह बढ़ाना चाहते हो, स्पेसिंग वगैरह बढ़ाना चाहते हो तो आप वो भी बढ़ा सकते हो। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हो, अभी ब्लैक है, आप कुछ और करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, राइट। मैं ब्लैक ही छोड़ देता हूँ और इसको यहाँ से कर देता हूँ पब्लिश और इसको यहाँ से करते हैं क्लोज। ठीक है, अब ये मेरी वेबसाइट दिख रही है। अब एक बार इस प्रोडक्ट को क्लिक करो, एकदम परफेक्ट है। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा रहा है, रिव्यू लिखा रहा है, ये मेरी मेन फोटो है और उसके नीचे ये फोटो नजर आ रही है। तो मैं इस पेज को भी कस्टमाइज कर सकता हूँ। तो इसको कस्टमाइज करने के लिए मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को वापस जाना है कस्टमाइज के ऊपर। ठीक है जी, अब मैं क्या चेंज कर रहा हूँ,
मैं ये जो मेरा प्रोडक्ट पेज है उसका थोड़ा सा डिजाइन वगैरह मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आप डिजाइन वगैरह के साथ यू कैन प्ले अराउंड इट और आप देखो कि कौन सा डिजाइन आपको अच्छा लग रहा है पेजेस के लिए। अब यहाँ पे आपको आना है WooCommerce के अंदर, WooCommerce के अंदर, एंड देन यू नीड टू कम टू सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, राइट। अब फुल विथ लिया हुआ है बाय डिफॉल्ट, बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा नीचे आओगे तो आप देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है थंबनेल लेआउट, अभी है हॉरिजॉन्टल, है ना। अगर मैं इसको वर्टिकल करता हूं तो आप देख सकते हो सारी चीजें यहाँ आ गई, ठीक है। पहले ये नीचे आ रहा था, अब ये यहाँ आ गया, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, राइट। एड टू कार्ट बटन, ये देखो ये रहा बटन मेरा, अब ये नॉर्मल है, मैं चाहूँ तो यहाँ से ये अब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे टैब आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन रिव्यू, तो अभी ये हॉरिजॉन्टल है, आप इसे चाहो तो ऐसे वर्टिकल कर सकते हो, ठीक है। यहां से हमने ये कर दिया और देन हम इसको यहां से कर देते हैं पब्लिश और इसको कर देते हैं यहां से क्लोज, ठीक है। तो अब आप देखोगे जो भी हमारे प्रोडक्ट पेजेस थे उनका यहां से स्टाइल भी चेंज हो गया होगा, राइट। आप जितने पे भी जाके देखोगे, आप इस पे भी जाके देख सकते हो, इसका भी स्टाइल जो है आप देखो पूरा चेंज हो चुका है, बाकी प्रोडक्ट्स यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे आप स्टाइल चेंज कर सकते हो प्रोडक्ट्स का, नहीं तो जैसे नॉर्मल था आप वैसे भी छोड़ सकते हो। और ये देखो यहाँ से बटन का साइज भी चेंज हो चुका है, और मैं अगर यहाँ पे ऐड टू कार्ट करूँगा तो ये कार्ट में ऐड हो गया। अब मैं यहाँ से कार्ट को देख सकता हूँ, अभी मैं कार्ट को देख रहा हूँ तो देखो ये साइड में साइड बार आ रहा है, है ना, ये साइड में साइड बार आ रहा है, तो इसको भी मैं हटा सकता हूँ। ये साइड बार आ रहा है जो, इसको भी हटाने का ऑप्शन है, ठीक है। ये कैसे हटा सकते हो, तो देखो बहुत ही आसान है, आप एक बार डैशबोर्ड पे जाओ और पेजेस पे जाके जाओ आप, ऑल पेजेस और कार्ट है, इसको यहां से करो एक बार एडिट, कार्ट को हमने किया एडिट, और थोड़ा सा आप नीचे आओ और ये जो कंटेंट लेआउट है डिफॉल्ट, इसे कर दो फुल विथ, ठीक है। डिफॉल्ट को मैंने कर दिया फुल विथ और इसको मैंने कर दिया अपडेट, ठीक है, इसको मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं अपनी वेबसाइट पे वापस जाता हूँ और एक बार कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ऐड टू कार्ट, और यहां से करते हैं व्यू कार्ट, तो आप देखो अब वो सारी चीजें हट चुकी हैं, वो सारी चीजें यहां से जा चुकी हैं, राइट। इसको मैं यहां से बंद कर देता हूं और इसको भी यहां से बंद कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं, ठीक है। अब यहां से आ जाते हैं रिटर्न टू शॉप, या मैं यहां से अपनी वेबसाइट पे आ जाता हूं, राइट। तो ये थोड़ी सी कस्टमाइजेशंस थी। अब इसके नीचे आप देखोगे ना तो एक फुटर विजेट होता है ना, यहाँ पे भी एक फिक्स्ड था, इसके ऊपर सेक्शन होता है जहाँ पे अलग अलग चीजें आप अपनी कंपनी के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये करने का देखो एक बहुत ही ज्यादा इजी तरीका है, वो तरीका क्या है, आपको जाना है अपने डैशबोर्ड के अंदर, राइट। मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ अगर आप जैसे ये आ रहा है मेरा फुटर, इसके ऊपर एक सेक्शन आ जाएगा जहाँ पे काफी चीजें आ जाएंगी, है ना। तो उसके लिए मेरे को कहाँ जाना है, डैशबोर्ड, और एक हम उसके लिए टेम्पलेट बना लेते हैं जिसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब मेरे को जाना है थीम पैनल में और देन मेरे को जाना है माय लाइब्रेरी, ठीक है, थीम पैनल, एंड देन मैं गया माय लाइब्रेरी और देन मैंने इसको किया यहाँ पे ऐड न्यू, माय लाइब्रेरी में जाके मैंने किया ऐड न्यू और इस लाइब्रेरी का मैं नाम लिख देता हूँ फुटर विजेट, ठीक है। क्या नाम रख दिया मैंने, फुटर विजेट, और इसे मैंने किया पब्लिश, ठीक है, फुटर विजेट, और देन मैंने इसको किया पब्लिश, और ये जो मेन है डिफॉल्ट, आप इसको कर दो यहां से एक बार 100% फुल विथ, और इसको यहां से कर दो अपडेट, ठीक है, 100% फुल विथ, और देन इसको करो अपडेट, देन इसको करो एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है, सिंपल एडिट विद एलिमेंटर,
अब हम अपने हिसाब से बनाएंगे। तो सपोज करो मैं इसके नीचे एक फिक्स्ड सेक्शन डालना चाहता हूँ जिसमें हो अबाउट अस, है ना। तो सपोज मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने लिया ये चार सेक्शन, है ना। और इसका मैं जाके अब क्या चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। तो से मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया, से मैं जाता हूँ कलर हंट पे और यहाँ से मैं कोई अच्छा सा कलर देख लेता हूँ। मैं जा हम जाते हैं पॉपुलर के ऊपर और से मैं यही वाला कलर ले लेता हूँ और ये कलर मैंने यहाँ पे डाल दिया, है ना। अब इसके अंदर मैं चार सेक्शन अलग अलग बनाना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें चार में चीजें डाल दूंगा जो कि मेरे फुटर में नजर आएगी। तो सबसे पहले मैं से डाल देता हूँ इसके अंदर हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट अस और इसको मैं कर देता हूँ, यह अबाउट अस रखते हैं और स्टाइल पे जाते हैं और टाइपोग्राफी में जाके इसका हम कर देते हैं यूनिटो और कलर हम कर देते हैं वाइट, ठीक है। कलर कर देते हैं वाइट और वापस जाते हैं टाइपोग्राफी में और डेकोरेशन में हम इसको दे देते हैं अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन। और इस पर कुछ टेक्स्ट लिखा लिखना होगा हमें, तो मैं जाता हूँ लोरम इप्सम पे और यहाँ से मैं कुछ डमी टेक्स्ट उठा लेता हूँ, मैं इतना टेक्स्ट उठा लेता हूँ और वापस जाता हूँ मैं और इसके नीचे मैं डालता हूँ वापस हेडिंग और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो सेम मैं अब जाता हूँ स्टाइल पे और अगेन इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ वाइट और सेम मैं कर देता हूँ यूनिटो और यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा साइज चेंज कर देता हूँ और वेट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अभी 400 है, लेट्स मेक इट 300 और यहाँ पे आते हैं वापस और कॉलम गैप को हमें करना है जीरो। कॉलम गैप अभी जो है इसको ये 30 हो गया, तो इसको हटा देते हैं बिल्कुल, ठीक है। अच्छा 25 था, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट 25 था। वर्टिकल अलाइन ऐसा ही है, सही है। एक बार वापस इधर जाओ और इधर जाओ एडवांस पे और इसका कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा अबाउट अस, है ना। अब सपोज इस सेक्शन के अंदर आप कोई और चीज डालना चाहते हो, तो सपोज इस सेक्शन के अंदर आप डालना चाहते हो नेविगेशन मेन्यू, है ना। तो फिर एक काम करता हूँ, इसको मैं वापस करता हूँ डुप्लीकेट और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मार्जिन हटा देते हैं और वापस आते हैं कॉन्टेंट पे और इसको मैं लिख देता हूँ से यहाँ पे मैंने लिखा मेन्यू। अब मैं वापस यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे अगर आप आओगे वर्डप्रेस के ऊपर, यहाँ पे एक बार सर्च मार लो मेन्यू, है ना, नेविगेशन मेन्यू। तो यहाँ पे अब मैं चाहूँ तो उठा के डाल सकता हूँ नेविगेशन मेन्यू। अब मैं चूज कर सकता हूँ कि कौन सा मेन्यू मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। तो अगर मैं हेडर मेन्यू चूज करूंगा तो हेडर में जितने नेविगेशन के आइटम्स हैं आप देखो वो यहाँ पे मेरे नजर आने लगेंगे, है ना। ये देखो ये सारे नजर आ रहे हैं, वो कलर अलग नजर आ रहा है, ये कलर अभी हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये कलर अभी कुछ ब्लैक नजर आ रहा है तो इसका हम कलर जाके कर देते हैं अभी चेंज, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, ये नेविगेशन में नीचे सारे मेरे पास यहाँ पे मेन्यू के आइटम नजर आने लग गए। इस कलर को हम चेंज कर देंगे और इसको हम कर देते हैं अपडेट, ठीक है। अब सपोज आप यहाँ पे भी कुछ दिखाना चाहते हो, अब यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हो, से अपने सोशल मीडिया के आइकन्स दिखाना चाहते हो, है ना। तो आप सर्च करो यहाँ पे आके सोशल आइकन्स, ये उठाओ और यहाँ पे कर दो पेस्ट, ठीक है। सोशल आइकन सर्च करो और यहाँ पे कर दो पेस्ट, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हो, फेसबुक पे जाओ और अपने हिसाब से अपने फेसबुक पेज का यहाँ पे लिंक दे दो, ठीक है। अपने फेसबुक पेज का यहाँ लिंक दे दो और आप उसको ये सारे लिंक आपके कनेक्टेड हो जाएंगे, राइट। इसको अभी हम कर देते हैं अपडेट, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं क्या डालूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, और या फिर मैं एक काम कर रहा हूँ, ये कॉलम ही मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है ना, ये डिलीट कर दिया। अब तीन कॉलम हो गए मेरे पास, और इसको कर देता हूँ मैं अपडेट और एग्जिट टू डैशबोर्ड, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हम देख लेते हैं एक बार, ये नजर आ रहा है ना। अब मेन्यू देखो ये काफी बड़ा नजर आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो एक काम करते हैं, हम एक नया मेन्यू बनाते हैं। तो अब हम जाते हैं अपियरेंस के अंदर और एक हम बनाते हैं मेन्यू, ठीक है। एक हमने मेन्यू बनाया और इसको हम करते हैं यहां से क्रिएट अ न्यू मेन्यू, और इस मेन्यू का हम नाम लिख देते हैं फुटर विजेट मेन्यू, ठीक है। इस मेन्यू का नाम क्या लिखोगे, फुटर विजेट मेन्यू, ठीक है। और इसे कर दो क्रिएट मेन्यू, और अब हमें इसमें ऐड करने होंगे आइटम्स, तो हम अब मेन मेन आइटम्स ऐड कर देते हैं, जो कि हमारे मेन मेन क्या थे, व्यू ऑल पे जाओ, हमारा मेन था एक तो मेन और एक था होम एंड लिविंग और एक था विमेन, इसे कर दो ऐड टू मेन, सिंपल तीनों ऐड हो गए। अब इसको कर दो यहाँ पे सेव मेन्यू, सेव मेन्यू किया, अब ये रहा हमारा वापस ये जो हमने बनाया था। अब इसको करो एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर, और यहाँ क्लिक करो इधर मेन्यू पे, और मेन्यू पे आके ले लो आप फुटर विजेट मेन्यू। अब देखो ये तीन मेन्यू नजर आएंगे, और इसको कर दो अपडेट, और वापस जाओ और कर दो एग्जिट टू डैशबोर्ड, ठीक है। अब इसको क्लिक करो, अभी हमारा ऐड हो गया। अब हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, सिंपल जाते हैं कस्टमाइज के ऊपर, ठीक है जी। कस्टमाइज पे जाके हम कलर चेंज कर देंगे। अब देखो ये रहा हमारा, अब यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारे पास कहीं ना कहीं, फुटर बॉटम में नहीं होगा। अब आप इधर जाओ वापस, विजेट्स के अंदर देख लो ऑप्शन है क्या, नहीं, यहाँ पे विजेट्स आप ऐड कर सकते हो अलग से। तो यहाँ पे होगा देखो जनरल ऑप्शन, जनरल स्टाइलिंग, नहीं यहाँ पे ऑप्शन नहीं है हमारे पास, देखो फुटर विजेट का ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं, हाँ देखो फुटर विजेट्स है यहाँ पे, इसका हमें यूज नहीं करना, हाँ इसका यूज हमें करना है। तो यहां से कर दो अनेबल फुटर विजेट्स, ठीक है, यहां से अनेबल करो फुटर विजेट्स। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट टेम्पलेट, आ रहा है ना सेलेक्ट टेम्पलेट, तो इसको सेलेक्ट करो और यहां से सेलेक्ट कर लो फुटर विजेट, ये वो फुटर विजेट है जो हमने अभी बनाया था, ठीक है, उसको हमने सेलेक्ट किया अपने फुटर विजेट को, और यहां देखो आपके पास ऑप्शन है एक टेक्स्ट कलर, है ना, तो ये टेक्स्ट कलर पे जाओ और यहां से इसको चेंज कर दो, अब देखो ये चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसने यहां पे देखो एक यहां पे फुटर विजेट ऐड कर दिया नीचे, ठीक है, इसलिए यहां पे ऐड नहीं हो रहा है। एक बार इस कंटेनर को यहां से ऑफ करो, फिर देखो क्या ये हटता है, नहीं हटा, तो इसको यहां से एक बार हटाओ, यहां पे वन करो, नहीं यहां से भी नहीं हट रहा, तो देखो यहां पे कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा, फिक्स्ड फुटर ऑन, अनेबल फुटर विजेट्स है, इसको यहां से कर दो ऑफ, यहां नहीं ऑफ करेंगे तो हम यहां से ही चला जाएगा, तो फिक्स्ड फुटर, फुटर विजेट कॉलम है, ठीक है हमारा, पैडिंग, पैडिंग एक बार जीरो कर देते हैं, पैडिंग होता है बेसिकली जो स्पेस आ रहा है आपका, राइट,
अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ करूँ तो बात नहीं बन रही हमारी, तो एक काम करते हैं इसको यहाँ से करते हैं क्लोज। अब देखो हम इसको दूसरे तरीके से चेंज करते हैं। अब इसको हम करते हैं एडिट विद एलिमेंटर। देखो वर्डप्रेस का फायदा क्या है कि हर चीज करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आ जाओ, क्लिक करो, एडवांस पे आओ, यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन है क्या कलर चेंज करने का हमारे पास? मोशन इफेक्ट नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, बॉर्डर नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, कंटेंट में, फुटर विजेट मेन्यू, यही है हमारे पास। तो एक अब काम करो, वापस यहाँ पे आओ, इससे तो बात बन नहीं रही है ना, तो कस्टम मेन्यू का ऑप्शन है तो इस कस्टम मेन्यू को उठाओ और कस्टम मेन्यू को उठा के यहाँ पे डालो, ठीक है। कलर का ऑप्शन देखो यहाँ पे है, एग्जैक्टली देखो यहां से काम बन जाएगा हमारा। तो इसको यहां से उड़ा दो, ठीक है। और अब देखो ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट मेन्यू, तो यहां से मैंने सेलेक्ट किया फुटर विजेट मेन्यू, ठीक है। अब देखो ये तीनों मेन्यू आ गए हमारे पास, ठीक है। अब यहां से ड्रॉप डाउन स्टाइल देखो, इसमें कुछ है नहीं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से चाहो तो पोजीशन चेंज कर सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर जो पोजीशन आ रहा है, तो यहां से आप चाहो तो पोजीशन चेंज कर सकते हो उनकी। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन क्या है ये देखो, मेन्यू लिंक कलर, ठीक है, मेन्यू लिंक कलर। आप यहां से चाहो तो जो आपका मेन्यू है इसका जो लिंक का कलर है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके जो लिंक का कलर है वो चेंज कर सकते हो। वो चेंज कैसे करोगे? अब हमें ये व्हाइट कलर का चाहिए है ना, तो स्टाइल पे जाओ और ये टेक्स्ट कलर देखो क्या है, ये FFF कोड होता है इसका। अब यहाँ पे आ जाओ और ये लिंक का जो कलर है अभी देखो क्या है, कुछ ब्लैक कलर का आ रहा है, राइट। तो इसको यहाँ पे ये पेस्ट कर दो। अब देखो क्या आ गया, ये आ गया व्हाइट कलर का। और हावर कलर भी चेंज कर दो, देखो अब व्हाइट नजर आ रहा है, परफेक्ट हो गया। पहले अलग कलर नजर आ रहा था, अब एकदम व्हाइट नजर आ रहा है। अब ये देखो सही हो गया मामला, अब हमें कोई टेंशन नहीं है ना, अब ये सारे क्लिकेबल भी है, ठीक है। तो एक तरीके से काम नहीं हुआ तो हमने दूसरा तरीका यूज कर लिया, राइट। तो वर्डप्रेस पे जब भी आप वेबसाइट बनाओ तो आप ये हमेशा ध्यान रखो कि आपके पास मल्टीपल वेज हैं सेम काम करने के लिए। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, आप दूसरा तरीका ट्राई करो। अगर वो तरीका काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, आप तीसरा तरीका ट्राई करो, राइट। तो काम बहुत सारे हैं, तरीके बहुत सारे हैं। अब यहां से चाहो तो आप देखो ये कैपिटलाइज वगैरह भी कर सकते हो अगर आपको करना है, ठीक है। अगेन ये कैपिटलाइज हुआ क्यों नहीं, क्योंकि हमने इसको छोटे में लिखा था। तो इसको मैं यहां से छोड़ देता हूं डिफॉल्ट, और एडवांस में देख लो और भी सेटिंग्स हैं। आपको इसमें कुछ मोशन इफेक्ट्स अगर डालने हैं, अगर ये फेड इन तो देखो ये फेड इन होके आएगा है ना। और ये आपको करना है कुछ और बाउंस इन डाउन, तो देखो ये ऐसे बाउंस होके आएगा है ना। और स्लाइड इन डाउन, तो ये स्लाइड होके आएगा। आपको ऐसे जो भी ऑप्शन डालने हैं वो डाल सकते हो। और इसका कुछ बैकग्राउंड वगैरह देना है तो वो दे सकते हो, अगेन हमें देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको मैं कर देता हूँ अपडेट, ठीक है। और यहां से कर लेते हैं हम इसको प्रीव्यू, और देखो यहाँ पे यहां से इसे क्लिक किया तो ये खुल गया, होम लिविंग आ गया। अगेन उस पेज पे कुछ है नहीं इसलिए ऐसे आ रहा है। और अगेन मेन पे जाओगे देखो ये खुल रहा है एकदम परफेक्ट, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने सेक्शन बनाया, अभी अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊं, एक बार हम अपनी वेबसाइट पे वापस जाते हैं, ये रही मेरी वेबसाइट, यहां पे देखो यहां फुटर में कुछ नहीं आ रहा, ये कॉपीराइट के ऊपर कुछ नहीं आ रहा, बट मैं चाहूं तो यहां पे ये चीज अब ऐड कर सकता हूं, ठीक है। ये फुटर के अंदर मैं ये चीज ऐड कर सकता हूं, राइट। तो आपको सिंपल करना क्या है अब ये काम करने के लिए, देखो इसको पहले से यहां से हम एग्जिट कर लेते हैं, ये सारा हम क्लोज कर लेते हैं,
और वापस आपको जाना है कस्टमाइज के अंदर। ठीक है, हम आए कस्टमाइज के अंदर और आप आ जाओ फुटर विजेट्स के अंदर और यहां कर दो अनेबल फुटर विजेट्स। राइट, और सेलेक्ट टेम्पलेट पे आओ और यहां से कर लो फुटर विजेट सेलेक्ट। देखो ये आ गया, ये फुटर विजेट आ गया मेरा। अब इसके पीछे देखो ये ब्लैक कलर का बैकग्राउंड नजर आ रहा है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां पे जाऊंगा और एक काम कर सकता हूं। देखो अब ये जो मेरा ये वाला बैकग्राउंड है, मैं सेम बैकग्राउंड इसका ऐड कर सकता हूं। ठीक है, जो मेरा इसका बैकग्राउंड है वो सेम बैकग्राउंड मैं इसका ऐड कर सकता हूं, या फिर एक काम कर सकता हूं, ये जो मेरा विजेट है इसको जाके मैं फुल विथ बना सकता हूं। अभी मैं क्या करता हूं, जस्ट इसको कर देता हूं पब्लिश और इसको कर देता हूं मैं यहां से क्लोज। अभी देखो बट ये अच्छा नहीं नजर आ रहा, इसके पीछे बैकग्राउंड कलर नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस आऊंगा अपनी वेबसाइट अपने टेम्पलेट के अंदर जहां मैंने इसे क्रिएट किया था। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे देखो थीम पैनल के अंदर माई लाइब्रेरी है। ठीक है, मैं माई लाइब्रेरी पे जाता हूं और ये मेरा विजेट था, इसको मैं करता हूं एडिट। ये है, अभी देखो अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं एडिट करता हूं और ये बाय डिफॉल्ट 100% फुल विथ है तो यहाँ पे तो ये स्पेस आना नहीं चाहिए था। ये साइड बार नहीं है हमारा, फुटर ये आना नहीं चाहिए था, राइट, बट ये आ रहा है। तो अब बताओ इसको सही करने का क्या तरीका है। देखो बहुत ही आसान तरीका है, ये है हमारा, इसको एक बार करो एडिट विद एलिमेंटर। अब देखो हम कितने इजी तरीके से इसको प्रॉब्लम को सही करेंगे। और यहां आओ और इसका बैकग्राउंड देखो क्या है, ये है इसका बैकग्राउंड। ठीक है, अब इसे करो क्लोज और इसे करो कस्टमाइज। इसे मैंने किया कस्टमाइज, ठीक है। अब मैं आता हूं फुटर विजेट्स के ऊपर, ऐड कंटेनर को हटाओ। अब देखो अब ऊपर नीचे का ऑप्शन आ रहा है, अब सिंपल एक काम कर दो यहां से ये हटा दो। अभी भी आ रहा है, अभी भी ऊपर नीचे वाला जो ऑप्शन था वो आ रहा है। तो देखो यहां पे सारी चीजें हमने कर दी। अब देखो अगर नहीं हो रहा है तो देखो एक चीज है सिंपल, बैकग्राउंड कलर पे जाओ और जो हमारा कलर है उसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दो। देखो सही हो गया, राइट, सिंपल जुगाड़ है ना। तो जो प्रॉब्लम आपको ना मिले, जो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रही उसका सिंपल ऐसे जुगाड़ करो और प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। तो हर चीज करने के अगेन मल्टीपल तरीके हैं वर्डप्रेस पे जो कि आप अचीव कर देखो। अब हमारी वेबसाइट पे ही आएगा, राइट। अब मैं अगर कोई प्रोडक्ट देखता हूं, तो देखो यहां पे भी आएगा, आ रहा है। तो ऐसे आप ये बना के अपने वेबसाइट के ऊपर बड़े ही आसान तरीके से डाल सकते हो। आपने देखा कि हम बना रहे थे तो एक दो जो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने इसे कैसे सॉल्व किया, है ना। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे कुछ और नई चीजों के साथ। थैंक यू सो मच।